नमस्कार दोस्तों, अजय ट्रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, टुमारो सोमवार को यानी 19 सितंबर को बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन में क्या हो सकता है। इससे पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप चेक करोगे, लास्ट फ्राइडे को SGX निफ्टी 43 प्लस पॉइंट में क्लोज हुआ है, डाउ जोंस 139 पे क्लोज हुआ है। और डाउ जोंस का फ्यूचर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 147 ग्रीन में यानी प्लस में ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है। और डेक्स रहेगा -200 पॉइंट क्लोज हुआ है, और ये NDX -66 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, निफ्टी हमारा क्या कर सकता है सोमवार को। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी है निफ्टी को, ओके। और यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही है फ्रेंड्स। तो अगर टुमारो क्या होता है हम देख लेते हैं अभी 50 मिनट की चार्ट में, टुमारो निफ्टी क्या कर सकती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से ही बनाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लगाया है 50 मिनट का चार्ट निफ्टी का। फ्रेंड्स मैंने ये लेवल पहले से मार्क करके रखा है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 17530 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है। और मैंने यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ किया है फ्रेंड्स। अगर टुमारो यानी सोमवार को निफ्टी 17616 से लेके 17475 के बीच में ओपन होती है यहाँ पे, और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करती है डाउन की साइड में 17495 को, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 17400, और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स 17340 के करीब। और अगर बाय चांस यहाँ से 17616 को ब्रेक करती है निफ्टी अपसाइड में, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 17680, और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 17780। यह हो गया फ्रेंड्स हमारा निफ्टी का लेवल। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है फ्रेंड्स सोमवार के लिए। मैं इसको निकाल लेता हूं फ्रेंड्स ताकि हमें आगे परेशानी ना हो। ओके फ्रेंड्स यहां पे आप चेक करोगे कि हमारा निफ्टी की तरह हमारा बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स 40776 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है। और आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ उसको भी एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में। अगर ये ब्रेक करता है फ्रेंड्स ये वन डे का चार्ट, अगर इसको ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट वन डे में आ सकता है ये लाइन 40500 के करीब जाएगा। और इसको भी ब्रेक किया तो उसको सीधा टारगेट मिलने वाला है ये वाला, यानी 39700 से लेके 39800 तक। लेकिन आइए देखते हैं हम 50 मिनट की चार्ट में कि इंट्राडे में सोमवार को क्या कर सकता है बैंक निफ्टी फ्रेंड्स। ये लगा लिया मैंने फ्रेंड्स 50 मिनट का चार बैंक निफ्टी में, जिसका लेवल मैंने पहले से दो करके रखा है इंट्राडे के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 40776 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है। और हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा फ्रेंड्स सोमवार के लिए। अगर बैंक निफ्टी सोमवार को इसी जोन में ओपन होती है यानी 40863 से लेकर 40655 पर ओपन होती है, उसके बाद इसको ब्रेक करता है 40695 को ब्रेक करता है, तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 40524, और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 40400 के करीब। इसको ब्रेक करेगा तो यह टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है, ओके। वैसे अगर अपसाइड में फ्रेंड्स आप देखें तो 40863 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है 40997, और दूसरा टारगेट आने की पॉसिबिलिटी है अपसाइड में 41090। ये हो गया फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का। फ्रेंड्स अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। सेम ऐसा हमारा निफ्टी में भी रहेगा, अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमें कुछ टाइम तक प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।